झारखंड के धनबाद जिले से एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के जोड़ा फाटक स्थित 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे 10 महिलाओं समेत 14 लोगों की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। अब तक 35 से अधिक घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग दिया गिरने से लगी और फिर गैस सिलेंडर से भड़क उठी। पहले गैस सिलेंडर से ब्लास्ट लगने की बात सामने आई थी। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले थर्ड फ्लोर लगी और देखते ही देखते एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट और फिर 6 फ्लोर तक पहुंच गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि झुलसने के कारण शवों की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। कुछ शव एक दूसरे से चिपक तक गए थे। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बिल्डिंग में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फोर्थ फ्लोर पर सुबोध लाल का फ्लैट है और उनकी बेटी पूजा की शादी मंगलवार को ही थी। सुबोध लाल के रिश्तेदार अशोक लाल ने बताया कि दुल्हन तैयार होकर शाम 5 बजे मैरिज हॉल चली गई थी और वहीं दुल्हन पूजा की माँ, चाची, मौसी समेत महिलाएं और बच्चे तैयार होकर घर से निकलने वाले थे और वह लोग आग में घिर गए। वह बदहवास होकर इधर से उधर भाग रहे थे। महिलाएं लगेज लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वह आग की लपटों में घिर गई, जिससे पूजा की माँ माला देवी, मौसी सविता देवी का 8 साल का बेटा अमन और एक अन्य रिश्तेदार सुशीला देवी और 4 साल की बच्ची तानिया की मौके पर ही मौत हो गई। पूजा के दादा की भी मौत हो जाने की अब सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि कुछ बचाव कर्मी भी आग में झुलस गए। लोगों को बचाते समय बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। आसपास के लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर पंकज अग्रवाल का फ्लैट है। शाम को फ्लैट में महिला ने पूजा करने के लिए दिया जलाया था और एक बच्ची ने उस दिए को नीचे गिरा दिया। दिया गिरने से नीचे बिछे कारपेट में आग लग गई और जब तक महिला आग बुझाती वहां से आग की लपटें निकलने लगी। महिला अपने बच्ची को लेकर वहां से निकल गई। इधर आग तेजी से थर्ड और फोर्थ फ्लोर के फ्लैट तक पहुंच गई। फ्लैट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, इससे आग और भी ज्यादा भड़क गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अभी और लोगों की जान जाने की आशंका है। वहीं इस हादसे में पीएम मोदी ने धनबाद हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। हादसे में मरने वालों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसमें हम लोगों ने कई लोगों को भेजा है। फ्लोर तो बेसिकली 2 फ्लोर है जो मैक्सिमम उससे उसके जद में आया था। बाकी अनफ्लोर के लोग भी नीचे उतरने के क्रम में कुछ सीढ़ी में गिर गए हैं, उस क्रम में भी कई लोग आग के जद में आए हैं। घटना के पोस्टमार्टम में तो जाएंगे, वो बात का विषय है। तुरंत में तत्काल में एम्बुलेंसेज भी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स था वो हम लोगों का था, लेकिन चूँकि जो आई विटनेसेज या जो वहाँ के लोगों से हम लोगों ने बातचीत करके जाना कि थोड़ा सा मेरे परिवार को भी लेट से पता चला, तब तक ठीक ठाक फायर जो है वो स्प्रेड हो चुका था, तो क्या कारण रहा है। तो पर्याप्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स हम लोगों का होना चाहिए, उसमें गाड़ियों की संख्या, फायर ट्रेकर्स की संख्या, पर्सनल की संख्या या एम्बुलेंसेज वगैरह वो